साइंटिस्ट उस फंगस का सैंपल लेने आता है। वो आगे पानी को भी सैंपल के लिए रख लेता है। आगे उसे जंगल में एक जगह फंगस के काफी पेड़ मिलते हैं। फिर वो उनकी फोटो लेने लगता है। यहाँ उसे इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं जो बुरी तरह फंगस से इन्फेक्टेड थे। खैर, यहाँ से सैंपल लेने के बाद वो एक टेंट में पहुँचता है जहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। वो आदमी भी इसी वायरस की वजह से मरा हुआ होता है। वो बॉडी देखने में काफी डरावनी लग रही थी। जब वो साइंटिस्ट उस बॉडी पर से सैंपल ले रहा होता है तभी वो डेड बॉडी उठ जाती है और साइंटिस्ट का मास्क हटाकर अपने स्पर्म के मुंह पर थूक देती है। इस वजह से अब वो साइंटिस्ट भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो साइंटिस्ट घबराकर वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी टेंट से बाहर आने लगती है और अब वो बॉडी सांस भी ले रही थी, यानी वो अब भी जिंदा है। साइंटिस्ट यहाँ से भागता हुआ जंगल में एक छोटे केबिन के पास वाले तालाब के पास आ जाता है और फिर वो उस तालाब के पानी में जाकर बेहोश हो जाता है। अब सीन 25 सितंबर पर शिफ्ट होता है। हम एक आदमी लोयल को देखते हैं जो इसी जंगल में फोटोग्राफी करने आया था। वो यहाँ अपना एक छोटा सा केबिन बनाकर रहता है। फोटो खींचते टाइम उसे जंगल में किसी आदमी की आवाज आने लगती है। लोवल उस जंगल में जाकर भी देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इसी बीच जंगल में गिर जाने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो अपनी कार में आकर चोट पर बैंडेज करता है। खैर, यहाँ से वो अपने केबिन के पास आ जाता है और ये वही केबिन होता है जिसके पास वाले तालाब में साइंटिस्ट होता है। अब लोवल रात गुजारने के लिए आग जलाता है। यहाँ वो अपनी चोट को देखने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसका घाव अब सड़ने लगा है, यानी वो भी जंगल में चोट लगने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी उसे जंगल में से जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। वो उन आवाजों की वजह से अपने केबिन में आकर सोने लगता है लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लोवेल अपना लाल टैन लेकर उस आवाज को देखने जाने लगता है। आगे जाने पर उसे वही साइंटिस्ट दिखाई देता है जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। लोवेल उसके कपड़े ऊपर करके देखता है तो उस साइंटिस्ट का सर गायब था और उसकी पूरी बॉडी फंगस की वजह से सड़ रही होती है। ये देखकर वो घबरा कर अपने केबिन में आ जाता है। वो ये देखकर काफी डर गया था और वो अब दरवाजे को बंद कर लेता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो कार में ही रह गया। फिर वो फोन लेने के लिए जैसे ही कार में जाता है तभी उसे साइंटिस्ट की बॉडी कार के नीचे से पकड़ने लगती है लेकिन लोवेल किसी तरह वहाँ से बचकर अपने केबिन में आ जाता है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है। तभी उसे केबिन के ऊपर से आवाजें आने लगती है। वो वहाँ जाकर देखने लगता है तो वहाँ उस साइंटिस्ट की बॉडी होती है। इस बार वो लोवेल को पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह से इन्फेक्टेड कर देती है। अगली सुबह जब लोवेल को होश आता है तो उसकी आधी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब वो किसी तरह अपनी कार में आकर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके एक तरफ के हाथ और पैर सड़ने लगे थे। खैर, अगले सीन में हम एक लड़की मीडो को देखते हैं जो जंगल में अकेली कैंपिंग करने आई थी। वो लोवेल की कार को आता हुआ देख लेती है और उसे रुकवाकर उससे लिफ्ट मांगने लगती है। वो उसे अपनी कार में बैठने को कह देता है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद लोवेल से ठीक से कार नहीं चलती। इसके बाद मीडो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी लोवेल उसे पकड़ने लगता है। मीडो खुद को बचाकर उससे दूर भागने लगती है। लोवेल भी उसका पीछा करने लगता है। अब वो उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी वो उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है और यहाँ से बचकर भागने लगती है। इधर लोवेल की बॉडी अब चलने लायक नहीं रहती क्योंकि उसकी बॉडी में अब फंगस पूरी तरह फैल गया था। वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मीडो भागती हुई एक घर के पास पहुँचती है। घर के बाहर उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है जिसकी मौत भी फंगस की वजह से हुई थी। वो उसे देख कर घबराने लगती है और घर के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि पूरी तरह फंगस से इन्फेक्टेड हो गई थी। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रही थी। वो लड़की मीडो से हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि मुझे मार दो। उस लड़की का नाम वेंडी होता है। वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे मार दे। अब मीडो उसकी मदद करने लगती है और वहाँ रखी फ्यूल को उसके ऊपर डाल देती है। इसके बाद वो एक फ्लेयर तो जला लेती है लेकिन वेंडी को मार नहीं पाती और घर से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें से उसे एक गन मिल जाती है। इसके बाद वो उस गन से वेंडी को मारने का डिसाइड करती है लेकिन वो उसके सामने जाकर उसे नहीं मार पाती। अब वो उस गन को वेंडी के हाथ में दे देती है। इसके बाद वेंडी खुद को शूट कर लेती है लेकिन उसके ऐसा करने से उसके खून की छींटे मीडो के मुंह के अंदर चली जाती है, यानी मीडो भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। खैर, अब मीडो वापस से कार के पास आ जाती है और फोन को ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एक फोन मिल जाता है। वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन जंगल में नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लग पाती। ये देखकर वो परेशान होने लगती है। तभी वो अपनी कमर पर देखती है कि वो सड़ रही है। इस वजह से वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है लेकिन थोड़ा आगे जाने पर ही उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है, यानी कुछ टाइम बाद उसकी मौत भी हो जाएगी। अब सीन एक महीने आगे शिफ्ट होता है और हम 22 अक्टूबर को देखते हैं। यहाँ एक कमरे में वेरा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर के अंदर छिपी हुई होती है क्योंकि एक इन्फेक्टेड बॉडी उसके घर के अंदर आ गई होती है। वो बॉडी उसके कमरे के बाहर ही पड़ी थी। उस बॉडी के पास एक फोन पड़ा होता है। वेरा उस फोन को किसी तरह से उसके पास से उठा लेती है
और अपने बेटे थॉमस को मैसेज करने लगती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता, जिस वजह से वो काफी परेशान होने लगती है। कुछ देर में उसका बेटा थॉमस वहाँ आ जाता है। वेरा अपने बेटे से मिलकर काफी खुश होती है। थॉमस बताता है कि वो अपने बड़े भाई के घर से आ रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। वो आगे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बॉडी अजीब तरह से मूवमेंट कर रही है। थॉमस बताता है कि उसने रेडियो पर सुना है कि फिलहाल कोलंबस सेफ जगह है, इस वजह से हमें वहाँ जाना चाहिए। थॉमस जब गैरेज से अपनी कार निकालता है तो उसे लगता है कि कोई उसके गैरेज में है। वो अपनी मॉम को कार में छोड़कर अंदर चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। खैर, अब वो अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। थॉमस कार को लेकर अपने भाई एवरी के गैरेज में आ जाता है। वो दोनों मिलकर एवरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। आगे उन्हें गैरेज में एवरी का कुछ सामान मिलता है। फिर थॉमस उस सामान को अपनी कार में रखने लगता है। उन्हें ऐसा करते हुए एक इन्फेक्टेड आदमी देख लेता है। जब वो दोनों और सामान लेने के लिए गैरेज में जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड आदमी उनकी कार में आकर छिप जाता है। इधर उन्हें गैरेज में दो इन्फेक्टेड लड़कियां मिलती हैं। उनमें से एक लड़की के मुंह में से कुछ टेंटिकल भी बाहर निकलने लगते हैं, यानी ये वायरस अब और भी एडवांस हो रहा था, यानी कि म्यूटेट हो रहा था और इंसानों को खतरनाक क्रीचर में बदल रहा था। अब वो दोनों उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद थॉमस गैरेज का दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे वो दोनों लड़कियां उसके अंदर बंद हो जाती हैं। अब वो दोनों कार लेकर वहां से दूर निकल जाते हैं। फिर थॉमस कार रोककर रास्ते का मैप देखने लगता है। तभी कार में पीछे बैठा इन्फेक्टेड आदमी उठ जाता है और थॉमस पर अटैक करने लगता है। वो आदमी थॉमस को मार देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, लेकिन वेरा कार से बाहर निकलकर उससे बच जाती है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम एक लड़की सेरेना को देखते हैं जो अपने गैरेज में पैकिंग कर रही होती है। तभी उसकी गैरेज में एक इजराइल नाम का आदमी आ जाता है। वो यहाँ छिपने आया था, लेकिन सेरेना उसे वहाँ रुकने से मना करती है और उसे वहाँ से भेजने लगती है। फिर भी इजराइल उससे यहाँ रुकने की बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है और एक स्टूल पर जाकर बैठ जाता है। तभी सेरेना उसके हाथ पर खून लगा हुआ देख लेती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, पर इजराइल कहता है कि वो खून उसका नहीं है और ना ही वो इन्फेक्टेड है और वो इन्फेक्टेड लोगों से बचकर ही यहाँ छिपने आया है। फिर सेरेना उसे बताती है कि वो अपनी बहन मीडो को ढूंढने जा रही है, जो कि जंगल में कैंपिंग करने गई थी, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि वो तो काफी टाइम पहले ही मर चुकी है। खैर, अब इजराइल कहता है कि अगर उसकी बहन काफी टाइम से गायब है तो वो भी इन्फेक्टेड होकर मर गई होगी। यह सुनकर सेरेना दुखी होने लगती है। अब आगे इजराइल बताता है कि वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहने आया है, लेकिन अब उसकी वाइफ उसे ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। उसकी बातें सुनने के बाद सेरेना उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद गैरेज के दरवाजे पर कोई लड़की आती है और मदद मांगने लगती है। इजराइल उसकी आवाज सुनकर पहचान लेता है कि वो उसकी वाइफ है। फिर वो उसे अंदर लाने के लिए घर के बाहर जाने लगता है। तभी सेरेना कहती कि अगर तुम बाहर गए तो फिर मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, लेकिन इजराइल फिर भी बाहर चला जाता है। तभी सेरेना दरवाजे को बंद कर लेती है। अब इजराइल अपनी वाइफ को लेकर अंदर आने लगता है, लेकिन सेरेना ने दरवाजा बंद कर रखा था, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। फिर सेरेना को रियलाइज होने लगता है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। अब सेरेना उन्हें गैरेज के अंदर ले आती है। इजराइल की वाइफ का नाम लिली होता है। वो लिली को एक जगह लेटा देता है। वो कहने लगती है कि उसकी कमर पर कुछ लगा हुआ है। हमें पता चलता है कि उस पर किसी इन्फेक्टेड इंसान का टेंटिकल लगा हुआ है। इजराइल उसे छुटाकर नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लिली की कमर पर उस फंगस ने घाव कर दिए हैं, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। अब लिली को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है और कुछ टाइम में उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। इसके बाद उसकी बॉडी में अजीब मूवमेंट होने लगती हैं और उसके अंदर से हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगती हैं। फिर सेरेना उस पर कंबल डाल देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद उसकी कमर में कुछ हलचल होने लगती है और सेरेना डर की वजह से उसे दूर हट जाती है। इजराइल उसकी कमर को देखने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसकी कमर पर बुरी तरह से फंगस ने कब्जा कर लिया था। इसी बीच हम गैरेज के बाहर एक अजीब तरह के क्रीचर को देखते हैं जो काफी खतरनाक था। सेरेना इजराइल से कहती है कि वो लिली को उठाकर घर से बाहर कर दे। तभी लिली की कमर में से टेंटिकल निकलने लगते हैं। वो टेंटिकल इजराइल के ऊपर भी अपने कुछ अंश छोड़ देता है, यानी अब इजराइल भी इन्फेक्टेड हो गया है। ये देखकर सेरेना और ज्यादा डरने लगती है। तभी लिली के अंदर का वो टेंटिकल काफी बड़ा हो जाता है। उसे देखकर वो जल्दी से गैरेज के बाहर आ जाती है। बाहर उसे वही क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सेरेना एक गाड़ी को लेकर उस इलाके से काफी दूर आ जाती है। उसे रास्ते में वेरा मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। सेरेना उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर वेरा बताती है कि वो ठीक है। खैर, सेरेना उसे गाड़ी में बैठा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मूवी के आखिर में हमें एक बार और नैरेशन सुनाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ये फंगस इंसान की बॉडी को कंज्यूम कर लेता है और उसे एक क्रीचर में बदलने लगता है। साथ ही ये फंगस इंसान के डीएनए को पूरी तरह बदल देता है और तेजी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।